मनीषा हमारी बेटी समान है। अगर मौका लगे और भगत की कृपा हो तो कन्यादान और मतदान एक जैसा होगा। किसान डॉक्टर जी एक बार आइए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ अपनी बात को अभिव्यक्त कर दूं। बहुत कम अवसर होता है कि एक ही परिवार की तीन पीढ़ी से मिलने का। आज मेरा सौभाग्य है। और एक मनीषा है जिसके नाम के बाद में लगता है। अब मैंने आपका ध्यान मेरी तरफ खींच लिया। कई बार क्या होता है कि भीड़ में आदमी गुम हो जाता है, और जब आदमी गुम हो जाता है तो कई बार विचार भी गुम हो जाता है। इसी प्रकार ये हुआ कि 2018 की भीड़ में आपको प्रभावित कर आपको उनके तरफ आकर्षित किया। आज 5 साल के इस कार्यकाल के उपरांत आप और हम के सुशासन की व्यवस्था से आप और हम बीजेपी के समय पल्लवित थे। आज 5 साल में सुशासन को आप और हम ढूंढते नजर आते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारे बीच में राजस्थान की और राजस्थान से ही राष्ट्र में गई, राष्ट्र के संगठन में सचिव के पद पर है। मैं सम्माननीय अलका जी गुर्जर का यहाँ अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन करना चाहता हूँ, पूर्व सांसद हैं, राष्ट्र के मंत्री रहे हैं सम्मानी सिया चौधरी साहब, इस खेतरी की तरह पर आपका अभिनंदन है। मैं स्वागत और अभिनंदन मेरे साथी रहे, मेरे साथ विधायक रहे और इनके पिता आलाराम जी आपके पिता ही थे, मालाराम जी मेरे मां के साथ विधायक रहे, इसलिए तीन इसलिए कई बार बड़ा अचरज होता है। श्रवण सिंह जी, अचरज का विषय इस बात का है कि जब हमने खेतड़ी में प्रवेश किया तो एक धर्मसभा को संबोधित करने का अवसर आया, और जब यहाँ आए तो यहाँ हमको दातार का दरबार देखने को मिला। ये तभी संभव है जब भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कोई राजनीतिक दल इस पूरे राष्ट्र को नहीं पूरे संसार को जब दिशा दे रहा हो तभी इस प्रकार का समन्वय दिखता है। मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि अगर 2 लाइन में आज के वृत्तांत को आप अगर अपनी वाणी से अभिव्यक्त करें तो क्या कहें, तो वर्तमान के वृत्तांत में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 2018 में जो घटना प्रदेश में घटी उस पर एक पंक्ति है, और उस पंक्ति को मैं मेरी तरीके से कह रहा हूं। ये पंक्ति तो गोपालदास नीरज ने लिखी, लेकिन
लेकिन उसको मैं अपनी तरीके से कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो उसको प्रस्तुत करूं। गोपाल दास नीरज की एक पंक्ति है कि जब जब समय ने अंधेरों से दोस्ती की है, कि जब जब समय ने अंधेरों से दोस्ती की है, तो ये भाजपा का कार्यकर्ता है जिसने अपना घर जलाकर रोशनी की है। और ये मनीषा नौजवानों के संबंध में कह रही थी, उसकी भी जो पंक्ति में आते हमारे बीच में सतीश जी पूनिया भी नहीं आए, लेकिन उनका एक प्रश्न था इसी साल के मार्च के विधानसभा में, ये मैं नौजवानों के संबंध में निवेदन कर रहा हूं। उन्होंने सरकार से ये पूछा था कि पूरे राजस्थान में पंजीकृत बेरोजगार नौजवान कितने हैं या युवा कितने हैं। उस विधानसभा के पटल पर यह जवाब आया, 18,90,000 हमारे ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार के रूप में पंजीकृत हैं, 1,20,000 से कुछ ज्यादा जिनका आवेदन प्रोसेस में है, कुल मिलाकर 20,00,000 पंजीकृत युवा जो बेरोजगार के रूप में खड़े हैं। साथ में ये भी पूछा गया कि इनमें से कितने को आप भत्ता दे रहे हैं। उनके घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर हमारी सरकार आएगी हर बेरोजगार को 3,000 रुपया महीना, बालक को 3,500 रुपया महीना, बालिका को, फिर 2 साल बाद उन्होंने कहा बालक को 4,000 और बालिका को 4,500। तो हमने पूछा कि इनमें से कितने बच्चों को आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। 20,00,000 का में से जवाब आया 1,80,000 को, यानी 10% भी नहीं। अब आप बताइए, जिस नौजवानों ने ये आशा करी थी कि हमें रोजगार मिलेगा, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उन्होंने आपको नहीं दिया। इसलिए कहा जा सकता है कि आज की व्यवस्था में अगर आपको और हमारे को व्यक्तिगत रूप से निष्पक्ष भावना से युवाओं के भविष्य के संबंध में कोई सोचना हो तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि जिस संकल्प के साथ ये यात्रा आई उस संकल्प में हम भी शरीक होते हैं, उस संकल्प के साथ में हमारा विश्वास भी लेके जाइए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही विश्वास दिलाइए कि राजस्थान में भावी विधानसभा के चुनाव में संकल्पित परिवर्तन संभव नहीं है, सुनिश्चित है। ये आपका आज का संकल्प, निवेदन करता कि नौजवान हृदय के घाव ये बात बता रहे हैं, इन नौजवानों के हृदय के घाव ये बता रहे हैं कि यहां कभी उम्मीदों ने खुशखुशी की, इस 5 साल में जो उम्मीद थी एक एक उम्मीद ने खुशखुशी की है, तो इस वर्तमान सरकार के समय की है। सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, इस खेतड़ी की धरा पर खड़ा होकर आपसे निवेदन करता हूं, सत्य वचन आप कहना, क्या सरकार में आने से पहले इनके नेतृत्व ने आपसे ये बात नहीं कही थी, आश्वासन नहीं दिया था कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो 2,00,000 रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा? और कर्जा माफ हुआ? अब आप उनसे उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 2,00,000 रुपए तक का कर्जा माफ होगा। भारतीय जनता पार्टी के निर्वर्तमान सरकार ने 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ किया, और साथ ही जितना कर्जा माफ किया उतना आवेदक को वापस और कर्जा दिया, लेकिन 2,50,000 से 4 गुना ज्यादा लगते थे। इसलिए आपने विश्वास कम व्यक्त किया, सामान्य मतदाता इस बात से प्रभावित हो गया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब कोरोना काल आया, जब कोरोना काल से आप और हम त्रस्त थे, पूरा संसार झूम रहा था, राजस्थान झूम रहा था, भारत झूम रहा था,
तो परिस्थिति को देखते हुए जहां परिश्रम करने की भी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि भय था रोग का, उस वक्त केंद्र की सरकार ने आपको निःशुल्क राशन दिया या नहीं दिया? एक साल तक नहीं दिया, पूरे दो साल तक दिया। अब आपने जिस सरकार से 2 लाख रुपए के माफ करने की आशा भर रखी थी, उसने तो उस वक्त भी राशन के 2 रुपए भी आपसे लिए। 2 लाख की बात छोड़िए, कोरोना काल में 2 रुपए भी उन्होंने आपसे लिए। उनका राशन जब वितरित होता था तो 2 रुपए लिए जाते थे। जिस सरकार से आपने 2 लाख रुपए माफ करने की बात कही थी कोरोना काल में, जहां उनसे आप उम्मीद करते थे कि वो आपकी कोई सहायता करें, उन्होंने सहायता करना छोड़ आपके राशन के 2 रुपए भी आपसे वसूल किए। आखिर इस सरकार का आप करेंगे? इन मातृशक्ति को पूछिए, इनके हृदय में जिस प्रकार की पीड़ा है, जो घर चलाता है परिश्रम करने वाले से तो घर का पूछिए, लेकिन घर चलाने वाली से पूछिए इस प्रकार की विडंबनाओं को सामना करते हुए उस घर को कैसे चलाया जाता है। आज इनकी दुआ लग जाए तो यह सरकार आज ही भस्म हो जाए, लेकिन हम प्रजातंत्र में जीते हैं। प्रजातंत्र में हमें दान की आवश्यकता पड़ती है। मत के रूप में हम आपसे दान का आवेदन करने आए हैं। आशा करता हूं कि निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दोनों हाथों से उस कमल के बटन को दबाकर इतना विजयश्री बनाएंगे कि खेतड़ी की जनता भी राष्ट्र की जनता को ये बता दे कि जब परिवर्तन होता है तो इस प्रकार होता है, या खेतड़ी के डूंगरों में सिर्फ कॉपर ही नहीं बलता, या मतदानों के मतदाता की उंगली से मतदान का सोना भी बलता जाए। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाकी सबका भी अभिनंदन करता हूँ। दशरथ सिंह जी हैं, हमारे पवन जी मोदी हैं, बाकी हमारे सारे श्रवण सिंह जी है, केडी बाबर साहब हैं, और बाकी सब हमारे अतिथि है सब, और मनीषा हमारी बेटी समान। अगर मौका लगे और भगत की कृपा हो तो कन्यादान और मतदान एक जैसा होगा।